आज है वट सावित्री की पूजा, साथ ही साथ सुमारी अमावस्या की पूजा। तो सभी औरतों को मेरी तरफ से वट सावित्री और सुमारी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज का ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शुभ प्रभात। आज की प्रातःकालीन बेला में मैं चंदा दुबे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा अपने इष्ट देव से प्रार्थना करती हूँ कि आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। तो आज है वट सावित्री, साथ ही साथ सुमारी अमावस्या। तो हम लोग सबसे पहले भोर में ही उठ गए थे, तो इसके बाद हम लोग फूल बेलपत्र इत्यादि सामग्री की व्यवस्था की, उसके बाद घर की पूजा की। घर की पूजा की समाप्ति के बाद हम सभी छोटे छोटे चीज़ें एकत्रित करते हुए आप कितना भी कोशिश कर ले पूजा की सामग्री एक जगह रखने की, लेकिन आप जब भी पूजा करने बैठोगे एक न एक चीज़ मिसिंग अवश्य रहेगी। ये हमारी पूजा करने की टेक्निक है। तो व्यूअर, घर की पूजा की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं आपको वट सावित्री की पेड़ के नीचे। लेट्स स्टार्ट। इस पूजा को सुहागनें करती हैं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए तथा अपने पति की बहुत ही कठिन स्थिति में, जैसे एक्सीडेंट वगैरह में बचने के लिए हर सुहागन औरतें अपनी पति की लंबी उम्र की दुआएं करते हुए ये वट सावित्री तथा सुमारी अमावस्या की पर्व करती हैं। तो आज के दिन वट सावित्री और सुमारी अमावस्या दोनों थी। तो हम लोग सबसे पहले वट सावित्री की पूजा की, उसके बाद सुमारी अमावस्या की पूजा की। वट सावित्री में बर की पूजा होती है और सुमारी अमावस्या में पीपल की पूजा होती है। उसके बाद पूजा करने के बाद हम सभी फेरी करते हैं, फेरी करके कथा सुनते हैं, उसके बाद पीपल की पूजा करते हैं। तो ये थी आज की हम सब औरतों की पूजा की सामग्री तथा समय। इस पूजा में इतनी भक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम सभी औरतें तन मन धन से एवं अपने पति की लंबी उम्र के लिए
ये पूजा श्रद्धा भावना से करते हैं। कोई बात नहीं, हम अपने व्यूअर को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पूजा पाठ करना बहुत ही उत्तम है, इससे मन की शांति मिलती है तथा दुनिया में हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है लेकिन एक प्रभु ही है जो आपके साथ है। पूजा खत्म होने, पूजा की आरती उरती करने के बाद, पूजा के बाद हम लोग फेरी देते हैं। इस वट सावित्री की फेरी का बहुत ही महत्व है। इस वर्ग की पूजा करने के बाद कोई 108 21 51 जिसकी जितनी क्षमता फेरी देता है। फेरी करने के बाद हम लोग वट सावित्री की कथा सुनते हैं। तो देखिए गाइस, हम सभी बैठ गए हैं, वट सावित्री की सम्मिलित करते हैं, ब्लॉग को करते हैं स्टॉप और सेल्फी हो जाए। बाय बाय।